राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है और अमृता जो है तैयार हो रही है। आप लोग जानते हैं कि इसका स्कूल जो है खुल गया है, तो इसलिए अभी ये सुबह सुबह ही तैयार हो जाती है अपना सारा काम करके। तो ये इसका काम रहता है सुबह सुबह का गाय को चारा और पानी डालना, तो वह सब कर चुकी है, नहा धो चुकी भी है और ड्रेस भी पहन ली है। तो उसके बाद लग जाती है पूजा करने में। ये पूजा कर रही है और मैं अंदर जो है किचन में खाना बना रही हूँ और मुझसे बोली है कि आज मुझे जो है टिफ़िन चाहिए, तो इसलिए मैं जो है सुबह सुबह ही लग गई हूँ सबसे पहले इसका टिफ़िन तैयार करने में। यानी सब्जी रोटी पहले बनाऊंगी और उसके बाद जो खाना बनेगा वही मैं बनाऊंगी। तो ये यहाँ पे पूजा कर रही थी, दीदी कह रही थी थोड़ा सा वहीं पे खड़े हो जा तब तक मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो वह फ़ोटो खिंचवाने लगती है और यहाँ पर देखी मम्मी भी खेत से आ गई हैं। और मम्मी जान रही हैं कि घर पर एक भी लकड़ियाँ नहीं है, तो जिसके लिए मम्मी देखी यहाँ पर ये लकड़ियाँ लेकर आई हैं। बोल रही थी कि अब जो है दो तीन टाइम तुम लगाना और जो है ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा खाना बनाने में। और वह लकड़ियाँ जो थोड़ी बहुत मतलब जैसे बारिश की वजह से गीला हो गया है तो फिर भी वह जलते हैं जब थोड़ा सूख जाता है, तो इसलिए मम्मी कह रही थी चलो धूप इस टाइम थोड़ा बहुत निकल रहा है तो सूख जाएगा तब तुम लोग लगाना। और मैं देखिए भोजन बनाने में लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बनाई थी और एक तरफ सब्जी रख दी थी, तो चाय हमारा हो गया था, सारे लोग पी लिए थे और फिर अमृता भी तैयार हो गई थी तो वह आ जाती है चाय पीने के लिए और साथ में ये रोटी खाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं जो है सब्जी रोटी बनाई क्योंकि उसे टिफिन चाहिए था। बोल रही थी कि भूख लग जाता है और स्कूल जो है इसका 7:30 बजे का है और आती है उधर से 1 बजे और बीच में जो है ये कोचिंग भी करने जाती है, तो इसलिए और भी लेट हो जाता है। घर आते आते उसे 2:30 बज जाते हैं। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले सब्जी रोटी बनाई, उसके बाद दाल चावल रखी, तो कुछ समय बाद हमारा खाना बन जाता है यानी आधे 1 घंटे बाद। और फिर मम्मी कह रही थी चलो अब खाना तो बन गया, चलो खेत भी कुछ काम है, तो इसलिए हम और मम्मी और दीदी तीनों लोग साथ में चले जाते हैं खेत। अमृता प्रीति जो है स्कूल गई हुई हैं और पापा तो घर पे ही रह रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि काम नहीं मिल रहा है, वह भी परेशान हो गए हैं कि कम से कम काम मिल जाता तो जो है घर का खर्चा चल जाता, लेकिन क्या करें जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है। फिर पापा घर पे रुक जाते हैं और हम तीनों लोग खेत के लिए चल देते हैं। तो अभी तो हम गांव में हैं, कुछ समय बाद खेत भी पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों फाइनली हम अपने खेत आ गए हैं और आप लोग सोचेंगे कि इस बोरी में क्या है, तो इस बोरी में राख है जिसे हम अपने खेतों में छींटेंगे। आप लोग जानते हैं कि राख और ये गोबर उबर जो होते हैं खेतों में छींटा जाता है जिससे फसलें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इसलिए मैं जो है इसे लेकर आई हूँ और चलती हूँ अब खेतों में छींटने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ही वजन था क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो गया था, इसलिए और भी हो गया था। तो मैं ऐसे ही करके लेकर जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि रखो मत, इसे जो है फैला दो तभी जो है धान की रोपाई हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा खेत जो है थोड़ा गीला गीला है क्योंकि इस टाइम बारिश भी हो रहा है और कभी धूप भी हो जा रहा है, इसलिए जो है खेतों की जुताई भी नहीं हो पा रही क्योंकि खेत गीला, इसमें ट्रैक्टर आएगा तो भस जाएगा या तो इसमें जो है पूरा पानी भर के जुताई जाएगा, एक ट्रैक्टर आता है तभी जो है खेतों की जुताई होगी। लेकिन हमारा मोटर भी ख़राब हो गया है तो इसलिए जो है पानी भी नहीं चल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है खेतों में सुबह सुबह आई थी। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी सोकर उठते हैं उससे पहले ही मम्मी खेत चली आती हैं या तो बाजड़ा काटती हैं, कभी कुछ मतलब काम करने के लिए आ जाती हैं खेत। तो यहाँ पे देखिए आज जो है मम्मी खेतों में घास की थी क्योंकि इसी खेत में धान की रुपाई होगी और खेतों में बहुत ज़्यादा ही घास हो गया। अगर इस घास को साफ नहीं करेंगे तो जो है धान की रुपाई भी नहीं हो पाएगी, अगर होगी तो ये फसलें जो है सारा ख़राब हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि पहले खेतों को अच्छी तरह से साफ करो तभी जो है धान की रुपाई करो। तो इसलिए मम्मी जो है सुबह सुबह आई थी और यही घास की थी, तो कह रही थी चलो तुम लोग आए हो तो इसे भी साथ में लेकर चल दो। तो यहाँ पे देखिए मैं रख देती हूँ और फिर बांधते हैं और मम्मी मुझे उठा देती है और फिर खेतों से बाहर लेकर चले आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही वजन था तो इसलिए मैं सोची चलो सर पे नहीं जाएगा, साइकिल पे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं अपने साइकिल पर रख देती हूँ और साइकिल हमारी जो है बहुत ही काम आती है, कहीं भी हम जाते हैं तो अपने साइकिल को लेकर ही जाते हैं।
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि घर के सारे काम कर लिए, यानी भोजन वोजन बन गया। उसके बाद हम मम्मी और दीदी तीनों लोग जो है खेत चले आए हैं। खेत में भी कुछ काम है, आप लोग जानते हैं कि गांव में रहते हैं तो अंदर बाहर दोनों काम ही रहता है। तो इसलिए मम्मी जो है सुबह सुबह आई थी तो घास काटी थी, आप लोग देख सकते हैं। हमने जो है खेत में से घास लेकर आए और उस साइकिल पर रख दिए, और घर से जो है ये लेकर आए थे, राख लेकर आए थे जो खेतों में मतलब छींटा जाएगा, खाद की तमाम होता है। हमारे गाँव में तो ऐसे ही सारे लोग जो है खाद उद मतलब घर के ही चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे गोबर होता है, राख होता है, तो उन्हीं सब का यूज करके हम लोग जो है खेतों में डालते हैं। और फिर जो है खेतों में बुआई वाई होता है, जिससे फसल बहुत ही अच्छी होती है। फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम जो है अपने सब्जी वाले खेत में आए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए जो हमने संडा गाड़ा था धान का बीज, ये जो है थोड़ा बहुत पीलापन इसमें आ गया है। मम्मी बोल रही थी थोड़ा बहुत इसमें जो है रोग लग रहा है, इसलिए इसमें पीलापन आ रहा है। तो उधर मम्मी और दीदी जो है देख उख रही हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को दिखा रही थी। मम्मी कह रही थी कि पूरा जो है ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा तो दवा ववा नहीं डाला जाएगा। देखिए हमने जो है 3 से 4 क्यारियाँ बोई थी इतना मेहनत से, और इस टाइम तो बारिश हो रही है, जिसके वजह से खेतों में जो है रुपाई भी ये जुताई उताई नहीं हो पा रही है। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेतों में जो है पानी भरा रहेगा तभी जो है खेतों की रुपाई हो पाएगी, वरना जो है खेत सूखा रहेगा तभी। और हमारी लाइट भी इस टाइम जो है ख़राब ही चल रही है, यानी लाइट ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से खेतों में पानी भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेतों की रुपाई हो, तो ख़राब है जिसकी वजह से खेतों में पानी भी नहीं चल पा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जो है खेतों में रुपाई उपाई होगी। तो मम्मी बोल रही थी अब लगता है कि अलग से लाइन लेना पड़ेगा तभी जो है खेतों में पानी चल पाएगा और जो है इस धान की रुपाई हो पाएगी, वरना जो है सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। बहुत ही मेहनत से हमने जो है संडे की गड़ाई उड़ाई की थी, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा। अब जो है रुपाई करना है, लेकिन उससे पहले खेतों की जुताई होगी तभी ना, और बारिश की वजह से खेत जो है पूरा गीला हो जा रहा है और रुपाई भी नहीं हो पा रही है इस टाइम। दोस्तों खेत हमारा जो है गीला है, जिसमें हल नहीं चल पाएगा, इसलिए जुताई भी नहीं हो पाएगी। और खेत की जुताई होने के लिए या तो खेत जो है पूरा सूखा रहना चाहिए, या तो उसमें पूरा पानी भरा रहेगा तभी जो है खेतों की जुताई हो पाएगी, वरना नहीं। और इधर देखिए हमारा संडा भी लगभग तैयार है, सारे लोग जो है अपने खेतों की रुपाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन बारिश हो रही है, फिर जो है बयान में धूप हो जा रहा है, जिसकी वजह से खेत जो है सूख भी नहीं पा रहा है और जो है सही से भर भी नहीं पा रहा है, यानी बारिश की वजह से। और हमारा खेत ऐसा है कि इसमें बारिश होती है तो पानी टिकता नहीं है, और कुछ लोग का खेत होता है तो उसमें एक बार ही बारिश होती है, पानी टिक जाता है, इसलिए वह लोग जो है अपने खेतों की जुताई करवा लेते हैं और जो है रुपाई भी हो रही है उन लोग का खेत। लेकिन हमारे खेत में पानी टिकता ही नहीं है, जिसकी वजह से रुपाई भी नहीं हो पा रही है, और जब बहुत ज़ोरों से बारिश होती है तभी जो हमारे खेत में पानी टिकता है, लेकिन तो इस समय तो टिक ही नहीं रहा है। आप लोग जानते हैं कि एक दिन बारिश होता है और एक दिन नहीं होता है, इसलिए घर के सारे लोग जो है परेशान हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो है सब्जी वाला खेत है, तो इस टाइम जो है सब्जियाँ ज़्यादा नहीं फल रही हैं, बारिश का मौसम है। तो मम्मी बोल रही है जब बरसात वाली सब्जियाँ बोई हुई जाती है तभी जो है फलती हैं, ये सब तो पहले का है, तो इसलिए जो है ज़्यादा नहीं फल रही। कुछ कुछ ही सब्जियाँ जो है मिलती हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं लौकी का पौधा है, पेड़ है, पौधा है, और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लौकी भी फरी हुई है, आप लोग देख सकते हैं अभी ये बड़ी नहीं है। और ये सब जो है गर्मियों में बोए गए थे तो इसलिए जो है फरे हैं, बरसात वाले बोए जाते तो जो है ताज़ी ताज़ी सारी सब्जियाँ फरी रहती, लेकिन ये तो हमारा पहले का है तो इसलिए ज़्यादा नहीं फर रहे हैं। और दीदी भी ढूंढ रही हैं कि सब्जियाँ जो है मिल जाए, तो एक एक सब्जियाँ मिल रही हैं कुछ कुछ। इधर ये जो है खोजने में लगी हैं, और मम्मी जो है लकड़ियाँ वकड़ियाँ इधर उधर कर रहे हैं जो सब्जी वाले खेत में लगाई थी, जिससे ये जानवर वानवर ना आए। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी कहाँ पे है, रोड पे है, तो वहाँ पे जो है वो लकड़ी रख रही हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए चल देते हैं, तो यहाँ पे मैं साइकिल पे रख ली हूँ अपने घास को, और ये घास जो है बहुत ही ज़्यादा था तो सर पे नहीं जाता, तो इसलिए मम्मी कह रही थी साइकिल पे ही रख लो, तो मैं रख लेती और हम मम्मी चल देते हैं आगे। और यहाँ पे आप लोग हमारे खेत को देख सकते हैं, ये जुताने लायक हो ही नहीं रहा है। 4-5 दिन तक धूप हो जाता है तो मतलब खेतों की जुताई भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करें धूप भी नहीं हो रहा है, बीच में बारिश भी हो जा रही है,
जिसकी वजह से ये खेत जो है फिर से गीला हो जा रहा है और उसमें ट्रैक्टर जाएगा नहीं, जाएगा तो उसमें फंस भी जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने खेतों में पानी भर के ये ट्रैक्टर से जुता दीजिए, लेकिन क्या करें, हमारा मोटर भी खराब हो गया और घर की हालत आप लोग जान ही रहे हैं कि घर पे पैसे नहीं है, जिसकी वजह से जो है कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। सोचिए मोटर कैसे बनेगा। और यहाँ पे हम मम्मी आ रहे थे तभी दीदी तो जो है दिखाती दोस्तों का खेत, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों के खेत में जो है पानी भरा हुआ है, क्योंकि इनका खेत जो है थोड़ा सा खाल में रहता है तो इसलिए जब भी बारिश होता है पानी भर जाता है। और इन लोग के खेत में देखिए रुपाई हो रही है और हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा है। संडा अगर टाइम से नहीं मतलब गढ़ाएगा यानी रुपाई नहीं होगी तो सारा संडा जो है ख़राब भी हो जाएगा और हमारा पूरा मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। अगर खेतों में रुपाई नहीं होगी तो और भी हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सारे लोग परेशान हो गए और पापा भी परेशान हो गए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, क्योंकि घर पे एक रुपये नहीं है। अगर घर पे पैसे रहते तो कुछ भी इंतजाम हो जाता, लेकिन क्या करें पैसे नहीं है तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग ये कर सकते हो कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप लोग एक गरीब की मदद नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा और मैं देखूँगी कि कौन कौन हमारा मदद करना चाहता है। लोग कहते हैं ना गरीबों की मदद करने से पुण्य मिलता है, यानी भगवान उनकी जो है हर मनोकामना पूरे करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये शाम का क्लिप है तो आप लोग देख सकते हैं फिर से जो है बारिश होना शुरू हो गया। हमने सोचा था कि सुबह में धूप है और ऐसे ही 2-3 दिन तक धूप रहेगा तो हमारे खेतों की जुताई हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही बरसते रहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगी। खैर जाने दीजिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।